रूस और यूक्रेन के बीच अब मामला और गंभीर होता जा रहा है। रूस ने यूक्रेन पर हमला बोल दिया। यूक्रेन में सुबह से ही धमाकों की आवाज सुनाई दे रही है। रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव समेत कई जगहों पर धमाके और मिसाइलों से हमला करना शुरू कर दिया है। हालांकि पुतिन का दावा है कि आम नागरिकों पर कोई हमला नहीं किया गया है। यूक्रेन की सेना ने दावा किया है कि उसने लुहांस्क क्षेत्र में 5 रूसी विमानों और एक रूसी हेलीकॉप्टर को मार गिराया है और रूसी हमले के बीच यूक्रेन में मार्शल लॉ का ऐलान कर दिया गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन मिरर और मैं हूं आपके साथ शिवानी। आज बात करेंगे रशिया यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध से जुड़े अपडेट्स के बारे में और साथ ही कि इस युद्ध से पूरे विश्व पर क्या असर पड़ेगा। आगे उसी का जिक्र हम गहराई से करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन जरूर प्रेस कर लें, और अगर Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। आपका एक सब्सक्राइब और फॉलो हमारा हौसला कई लाख गुना बढ़ा देता है। चलिए फिर अब बात करते हैं। राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन में सैन्य कार्रवाई के आदेश दे दिए हैं। पुतिन ने कहा है कि अगर यूक्रेन पीछे नहीं हटता है तो जंग होकर रहेगी। पुतिन ने यूक्रेनी सेना को धमकी देते हुए कहा है कि जल्द से जल्द हथियार डाल दे, नहीं तो युद्ध को टाला नहीं जा सकता है। पुतिन ने आगे कहा कि अगर कोई दूसरा देश बीच में आता है तो उसके खिलाफ भी जवाबी कार्रवाई होगी। साथ ही आपको बता दें, रूसी द्वारा हमले शुरू करने के बाद यूक्रेन सरकार ने कीव एयरपोर्ट को खाली करवाना भी शुरू कर दिया है। यूक्रेन के कई पूर्वी बंदर का शहरों से शक्तिशाली विस्फोटों की आवाज सुनी गई है। यूक्रेन पर हमले के बाद कीव एयरपोर्ट पर खतरे की स्थिति को देखते हुए यूक्रेन से एयर इंडिया की फ्लाइट वापस लौटा दी गई है। यह विमान यूक्रेन में फंसे भारतीयों को लाने गया था। अब सवाल यह उठता है कि यूक्रेन में फंसे भारतीयों को भारत कैसे वापस लाया जाएगा। साथ ही रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन में फंसे भारतीयों को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि वहां लोगों को खाने पीने की दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है। सुपरमार्केट्स में खाना खत्म हो चुका है और साथ ही सारी दुकानें भी बंद कर दी गई हैं। साथ ही जो भारतीय बच्चे एयरपोर्ट पर थे, हवाई उड़ानों को बंद करने के कारण अब वो लोग भी हाईवे पर खड़े हैं। हालांकि आपको बता दें कि अमेरिका ने अभी कोई कदम नहीं उठाया है कि वो रशिया से लड़ेगा, लेकिन अगर अमेरिका रशिया से भिड़ता है तो भारी नुकसान होगा, पूरे विश्व पर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा, भारत की आर्थिक व्यवस्था तक बिगड़ जाएगी, साथ ही यूक्रेन में फंसे भारतीयों को भी बड़ा खतरा झेलना पड़ेगा। इसके साथ ही यूक्रेन अभी बहुत बड़ी संकट से घिरा है, क्योंकि वो अकेले रशिया से लड़ने में सक्षम नहीं है। इसके अलावा अमेरिका ने कोई और कार्रवाई नहीं की है। तो अब कौन कौन से ऐसे देश होंगे जो यूक्रेन की सहायता करेंगे, ये तो देखने की बात है। तो अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहें नेशन मिरर। धन्यवाद।